पीएम मोदी जिस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को वरदान बता रहे हैं वो क्या है और कैसे काम करेगी, ये बात तो आपको बता दी। अब बात करते हैं NRA के फायदों की। जब देश में पहले से ही तमाम एजेंसियां हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं करवाती हैं, तो फिर इस नई एजेंसी का क्या फायदा, तो सुनिए जनाब। अभी आवेदकों को अलग अलग पद और विभाग के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। NRA के अमल में आने के बाद पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही रिक्रूटमेंट परीक्षा होगी और एक ही वक्त पर होगी। हालांकि इसे साल में दो बार करवाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन आवेदकों को मिलेगा जिन्हें आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के बावजूद अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग शुल्क भरना पड़ता है। साल भर में अलग अलग परीक्षाओं के लिए उन्हें बार बार यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, जिसमें वक्त और किराया दोनों की बर्बादी होती है। अलग अलग परीक्षा देने में सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना महिला आवेदकों को ही करना पड़ता है। खर्चा तो होता ही है, साथ ही साथ उन्हें बार बार आने जाने में परेशानी भी होती है। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बन जाने के बाद एक ही परीक्षा होगी तो वक्त भी बचेगा और उन्हें इस परेशानी से छुटकारा भी मिलेगा। मौजूदा वक्त में आवेदकों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग करिकुलम के हिसाब से पढ़ाई करनी होती है, मगर NRA कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने की वजह से एक कॉमन करिकुलम होगा और अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग तैयारी करने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। क्षेत्रीय भाषा की दिक्कत से भी आवेदकों को निजात मिल जाएगी, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मल्टीपल भाषाओं में होगा। इसके लिए अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं का चुनाव किया गया है। NRA में आवेदकों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, सेंटर और समय के चुनाव की आजादी का। देश भर में कुल 1000 सेंटर बनाए जाएंगे और कैंडिडेट अपनी सहूलियत के हिसाब से सेंटर का चुनाव कर पाएंगे। साथ ही वे टेस्ट को अपने हिसाब से शेड्यूल भी कर सकेंगे। टेस्ट के अलावा सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, मतलब घर बैठे ही अप्लाई कर पाएंगे। हर साल रेलवे, बैंक और SSC के तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी की 2.5 से 3 करोड़ नौकरियां निकलती हैं। अब इस कॉमन टेस्ट में जो स्कोर आएगा वो सभी नॉन गेजेटेड नौकरियों के लिए मान्य होगा, वो भी 3 सालों के लिए। तो इस तरह से सिर्फ एक परीक्षा पास करने के बाद युवाओं के पास 3 करोड़ नौकरियों के अवसर होंगे।